सेकंड थर्ड ईयर के लिए पीएसटी वालों का यहाँ पे सारा हॉस्टल यहाँ पे है। बॉयज गर्ल्स बोथ है या गर्ल्स है? कैसे गर्ल्स? बॉयज का आगे कोई नीचे नहीं सर, बॉयज का वो नीचे जो था एसटीयू के पर का रास्ता था ना। अच्छा अच्छा, वो है और ये वाला गौरी बॉयज हॉस्टल है ये भी आगे। ये डिस्पेंसरी है। कहाँ पे डिस्पेंसरी? ये यहाँ पे डिस्पेंसरी है। आप लोग को मिलता है? यस सर, मतलब जैसे बीमार हो तो यहाँ कुछ भी, कुछ दो रुपए से पर्ची कटती है, उसमें सारी मेडिसिन यही देते हैं। यहाँ पे इनका हॉस्टल है बीटेक वालों का, अग्रेतर वालों तो यही होगा। अच्छा, ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये जो है और दूसरी साइड को बैठना रही है ऊपर को, आगे से ना ऊपर को बैठना रही, आगे से ऊपर को। वो कभी और दिन जब मैं आऊंगा तो मैं बैठने रही जरूर जाऊंगा, बट अभी हमारे आगे निकलना भी है। और ये है हमारा यहाँ से कांगड़ा हाईवे एंड मंडी कांगड़ा हाईवे है ये। दोस्तों, मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ इंस्पायरिंग वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपने थंबनेल देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, मैं सीएस के एचयू की पालमपुर यूनिवर्सिटी, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी भाई यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉग बना जाए, बट मैं ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, बट थोड़ा सा मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी के कि क्या क्या है, कितना बड़ा कैंपस है, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप इंजॉय करो यार, देखो तो कई बच्चों का ड्रीम भी है कि जितना मैं यहाँ पर आने का, तो एक बार देखिए आप, मैं जितना मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल पर नए यार सब्सक्राइब कर लो, और बाकी एग्रीकल्चर के बारे में तो आपको पता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती है। बिल्कुल, यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय, अगर हम बात करें आईसीआर एक्रेडिटेशन की, तो टॉप 14 यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया में आती है। तो बाकी तो देखो कैंपस बहुत ही बड़ा यार। बाकी देखो यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है यहाँ पे वेजिटेबल साइंस का यहाँ पे है, और इसी के साथ में आपका यहाँ पे सामने जो दिख रहा है ये आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का भवन यहाँ पे है, और इधर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे है, और कृषि निकेतन कॉलेज ऑफ दी डीन सर जो है यहाँ पे बैठते हैं आपके, और प्लांट पैथोलॉजी का भी बीच में तो दिखाया जा रहा है प्लांट पैथोलॉजी, एंड इसके साथ में देखो एग्रोनॉमी यहाँ पे है, और यहाँ पे मैंने गाड़ी भी पार्क की है, और देन नेक्स्ट अभी स्टूडेंट्स से भी मिलेंगे आई थिंक, कल संडे पे कुछ स्टूडेंट घर भी गए हैं, अभी मेरी बात हुई थी। देखो लेबोरेटरी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस का है, यहाँ पे सॉइल साइंस के प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ पे होते हैं, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट, एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पे है, फाउंडेड बाय आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जैसा कि आपको पहले ही मैं रूबरू करा चुका हूँ कि आईसीआर से अफिलेटेड हैं, बाकी ज़्यादा बाकी कंटेंट आपको डिटेल में यूट्यूब पे काफ़ी भरा पड़ा है इस यूनिवर्सिटी को लेके। और यहाँ पे स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नीचे बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे बेकरी वाले हैं, और देखो फील्ड भी काफ़ी बड़ी है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके कुछ ऑर्गेनिक जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का चैम्बर यहाँ पे है, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग आई थिंक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इस तरह से देखो यूनिवर्सिटी में आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे सभी के नाम लिखे हैं, साइंटिफिक नेम विद जो कॉमन नाम है प्लांट्स के, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है देखो यहाँ पे तो हर एक चीज़ का डाटा रखना पड़ेगा। और यहाँ पे प्लेसमेंट सेंटर यहाँ पे है, कि अगर हम बात करें नीचे अगर हम जाए, अभी तो पूरा कैंपस घूम लेंगे, अभी बैटनरी का भी है बट वो दूसरी साइड को, वहाँ पे नहीं जाऊँगा, कभी अगर टाइम समय मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर वहाँ का ब्लॉग आपको बनाऊँगा जो बैटनरी का है आपका। अभी हम सिर्फ एग्रीकल्चर की तरफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल है, देखो यहाँ पे हॉस्टल है आपका शिवालिक हॉस्टल। यार जगह बहुत खूबसूरत है, अच्छी जगह पर यूनिवर्सिटी है आपकी, और मतलब अल्टीमेटली बहुत ही सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बट सीखने वाला चाहिए, नीड है सीखने वाले की, जिसने सीखना हो कहीं भी जाके सीख सकता है। स्पोर्ट्स का दिखा लेते हैं, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड आपको दिखाएंगे, फील्ड किस तरीके की यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट की बात करें ना, ऊपर देखो पहाड़ियाँ आपकी दिखती है, ये दौड़ा, कई बच्चों ऐसे आते हैं भाई पालमपुर वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा, देख लो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरह की पहाड़ियाँ हैं, चारों ओर पहाड़ियाँ, और बीच में नीचे आपका पालमपुर है,
और यहाँ पे देखो 12 महीने ना धौलाधार पहाड़ियों में आपकी बर्फ टिकी हुई रहती है, जो ऊपर देख रहे हो आगे से, थोड़ा आगे से मैं दिखाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वाले यहाँ पे आपके होते हैं, और ये देखो गाइज ऊपर जो आपकी धौलाधार की पहाड़ियाँ, अभी इतनी गर्मी है देखो मयमन थाने वाला, तो अभी इसमें क्या है बर्फ है। शिवालिक पीजी हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है ये, जहाँ पे पीजी वाले बॉयज़ रहते हैं। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन MSc, आई थिंक आप सभी जानते होंगे, इतने बुद्धिजीवी तो सभी है। और यहाँ पे देखो एप्पल ऑर्चर्ड है यहाँ पे, तो ये फील्ड आपकी प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ पे होते हैं। एप्पल ऑर्चर्ड यहाँ पे है आपका, और हाँ पूरी फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है गाइस। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे बाहर वो ऊपर आपके जो यहाँ पे ये लगे हैं ग्रीन हाउसेज हैं, तो ये सारे फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। देखो इसके पीछे भी है, पूरी यूनिवर्सिटी की फील्ड है। देखो इतनी आप कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बट वही चीज़ है फील्ड बहुत अच्छी है, और रोड भी बीच में बढ़िया सेंटर में दिया है, बिल्कुल प्रॉपरली लाइटिंग की है। अगर आप आपको इसका होता है तो आपने प्रॉपर लाइटिंग का भी किया गया। वैसे ये देखो यहाँ पे आपका अमरूद का यहाँ पे बिल्कुल ऑर्चर्ड है, ये यहाँ पे अमरूद लगाए गए हैं। बाकी देखो कंपैरिजन मैं आपको सीधा बता दूँ भाई, अगर प्राइवेट का कंपैरिजन करें ना तो बिल्कुल भी एडमिशन मत लो, कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी जीरो, मतलब हर एक चीज़ देखो गवर्नमेंट आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है, फिर भी बच्चे प्राइवेट तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्लांटिंग के लिए यहाँ पर गड्ढे किए गए हैं, ठीक है, पता नहीं कौन सी प्लांटिंग करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना यहाँ पे भी देखो रेज्ड बेड बनाए गए हैं पूरे, जिसमें कि बच्चों को सिखाया जाता है रेज्ड बेड, इस तरह के रेज्ड बेड है आपकी क्लासेस में आपने देखा होगा, मैंने अगर किसी क्लासेस लगाई होगी तो। यहाँ पे रेज्ड बेड है और इसमें आपके नींबू वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री का यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा ना ये वाला। और यहाँ पे देखो यार कितनी बड़ी फील्ड है, देखो रोड है पूरी फील्ड में, देखो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा है, अल्टीमेट व्यू है यार टिंकी की यार। और फ्रूट क्रॉप्स यहाँ पे है इस, क्योंकि हॉर्टिकल्चर साथ में, तो इसका हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का आपका होगा साथ में, तो क्योंकि एग्रीकल्चर में ऐसा कि आपकी जितनी भी लाइट फील्ड हैं वो आपके एग्रीकल्चर में सारी आ जाती है। फॉरेस्ट्री की बात करें, हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, तो एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट आपका ऊपर है, यहाँ पे फिशरीज वगैरह होंगी आपके और एनिमल हस्बेंड्री होंगे, जो कि वेटरनरी का है वो रोड के दूसरी साइड है, उसका मैं अलग से कभी ब्लॉग आपको बनाऊंगा। बाकी यार फील्ड तो बहुत ही बढ़िया है, इतना तो मैं नहीं घूम सकता हूँ इसमें ना, क्योंकि टाइम भी यार अपने पास बहुत कम है। अभी हम स्टूडेंट्स कई घर गए हैं तो उनके साथ रास्ते में मीटअप हमारा है, और बैजनाथ साइड में है, अभी पालमपुर से हम आए, वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स से मिले, तो अभी पूरा दिन आज स्टूडेंट के लिए हमने निकाला है, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में यहाँ पे काफ़ी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुँचे हैं। बाकी यार ऊपर फील्ड में थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊँगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं दिखाने की कोशिश आपको जरूर करूँगा। यहाँ पे पॉली हाउसेज आपके हैं, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे की गई है, और इसमें मछलियाँ आपकी है, मत्स्य पालन, ठीक है, यहाँ पे फील्ड बंद की गई है। और सामने आप जब देखोगे ना यहाँ पे, तो पॉली हाउसेज आपके हैं, फील्ड ही है पूरी आपकी, जहाँ पे फील्ड वर्क रहता है स्टूडेंट्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गाइस कमेंट करके बताइए ये क्या चीज़ है, क्यों लगाए गए हैं, इसका रीज़न क्या है, ये आप बताइए कौन सी क्रॉप्स इस तरह से हम लगाते हैं। यहाँ पे पॉली हाउसेज आपके हैं, जिसमें कि कल्टीवेशन की जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में की जाती है कल्टीवेशन। तो यहाँ पे देखो बेड बनाए हैं, बेड के ऊपर यहाँ पे देखो ग्रेप्स लगे हैं, आप तो समझ चुके हैं आप किस तरह के क्रॉप्स हम इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे देखो आप यार, बहुत बड़ा कैंपस है, मुझे अभी 30 मिनट हो चुके हैं आते आते, बीच बीच में बता रहा हूँ आपको 30 मिनट हो गया पूरे कैंपस में, अभी पूरा नहीं हुआ मुझसे ख़त्म। तो ये रोड के दूसरी साइड को भी है, ये देखो आप यहाँ से अंदर को कैंपस में, और कम्युनिटी साइंस वालों को यहाँ पे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, ये कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस यहाँ पे जो आप देख रहे हो, CSKHP पालमपुर, और बेसिक साइंस के आई थिंक नीचे को होंगे, यहाँ से जो नीचे को कैंपस है ये बेसिक साइंस का होगा जो नीचे की तरफ है, यहाँ पे देखो कम्युनिटी साइंस का आपका ऊपर की तरफ इस तरह से, और यहाँ से मैं आया हूँ इस जगह से, और ये तो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। बाकी बाउंड्री बॉल्स लगे यार फील्ड के अंदर, हम नहीं जा सकते हैं, इसमें बाउंड्री बॉल्स आपकी लगी है, तो यार गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान से हैं, कॉल करते रहते हैं यार कि हमने वहाँ पर हिमाचल आना है, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ मैं इस टाइम पर ना, मतलब बिहार की बात करें या फिर UP की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट, मतलब दिन के कम से कम मुझे 20 कॉल ऐसे ही आते हैं बच्चों के कि हमने CSK पालमपुर में एडमिशन लेना है। तो मतलब एक तो जब से वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ पालमपुर के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑल ओवर इंडिया में बच्चे जान रहे हैं कॉलेज को, और बाकी ब्लॉग के माध्यम से तो आप सभी को पता लग भी चुका है कि आपका कैंपस किस तरह से है। तो इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी के ऊपर, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और
यहाँ पे देखो मोरस एल्वा, इज साइंटिफिक नेम ऑफ शहतूत का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, खिड़क, बट हम लोकल में बोलते हैं उसको खड़क बोलते हैं, साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पे दिखा दिया है, वैसे हम खड़क बोलते हैं यार। मतलब डेली 4 साल यहाँ पे रहे ना, और मतलब डेली इवनिंग वॉक करे तो साइंटिफिक नेम ना सारे याद हो जाएंगे, मतलब पेड़ को देखते देखते। यह हरित विशिष्ट अतिथि गृह है यहाँ पे, जहाँ पे आप आ सकते हैं, और यहाँ पे देखो क्या अल्टीमेट है यार, बहुत ही गजब के नज़ारे आप देख सकते हो, और बहुत यार ऊपर आसमान बढ़िया से दिखता है, और इधर उधर आपकी पहाड़ियाँ, धोराधार की मस्त पहाड़ियाँ, उसके बीच में यूनिवर्सिटी आपकी, और बहुत ही मस्त फील आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, अल्टीमेट नज़ारा है। और पढ़ने के माहौल की बात करें, डिस्टर्बेंस मुझे 0% यहाँ पे लग रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बट इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, वो आपको सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ICR आपको इतना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्सिटी आपको इतनी कुछ प्रोवाइड यहाँ पे कर रही है, और ये इन्वायरमेंटल साइंस का है, PG ब्लॉक ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे ये ब्लॉक है इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने, इस तरह कुछ है। इन्फॉर्मेटिक्स का यहाँ पे सेंटर है। अब जीव का आपको पता है कि अर्थ से होता है, इन्फॉर्मेटिक्स का आपको पता है टेक्नोलॉजी से, इसका मतलब टेक्नोलॉजी है, तो अगेन एग्रोनॉमी का ही एक पार्ट है, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स एग्रोनॉमी में आप पढ़ते हो। ये एग्जामिनेशन हॉल यहाँ पे भी है आपका, यहाँ पे एग्जामिनेशन आपके चलते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे है यार। अब इससे नीचे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ, और जो अभी बीच में कुछ छूटता है जाते बार वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी पूरी यूनिवर्सिटी देखो मैंने पहले बताया, विजिट नहीं कर पाऊँगा, बाकी अभी स्टूडेंट्स के साथ भी मीटअप हम करेंगे। यहाँ पे कैंटीन में पहुँच चुके हैं, और दो स्टूडेंट साइंस से मैं आपको मिला लूँ पहले, तो यार बहुत देखो यहाँ पे बहुत ऐसा एटमोसफियर है यार, ठंड अंदर बढ़िया से है, हमें गर्मी बाहर लगी थी धूप है ना, तो इस तरह से बैठने के लिए आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे देखो स्टेशनरी इसी में अंदर है, स्टेशनरी अगर आपको लेनी हो तो स्टेशनरी भी यहीं पे ही है, तो ये यहाँ पे आपकी डेली नीड्स की चीज़ें सारी यहाँ पे मिलती हैं। स्टूडेंट हैं बाकी दोनों घर गए हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप, उसकी देखेंगे। मैसेल्फ वंशी कराना, मैसेल्फ पंचली अग्रवाल फ्रॉम बीटेक फूड एंड टेक, यस वी आर परस्यूइंग बीटेक फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम CSKV HPTV। लास्ट ईयर स्टूडेंट है आप, लास्ट ईयर स्टूडेंट है, और वंशी कराना, और आपका नाम क्या नाम? अंजलि अग्रवाल नाम इनका, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी इन्होंने बताया। अब यहाँ पे देखो जहाँ मैं बैठे हैं ना, ये कैंटीन यहाँ की है, और बहुत अच्छा है, मतलब गवर्नमेंट कैंटीन बेस्ट कैंटीन, बकवास सीधी ये वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा गेम के लिए, बहुत अच्छा बोला आपने, जाहिर बात है उनको तो बोलना है, पैसे खा के मेन्यू देख रहे हैं, अभी इनसे पूछेंगे क्या खाएंगे। हम खा चुके अभी, हम हमें पता नहीं था यहाँ पे कितना अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ से बाजार गए खाना खाने, तो इनसे पूछ लेते हैं, देख रहे क्या अभी देखो ये फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? तो अच्छा रहा है, अभी तक तो अच्छा बेस्ट है, यूनिवर्सिटी का भी अच्छी है, सब अच्छे सब अच्छे, देखिए बहुत ही अच्छी है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप भी जरूर यहाँ का मन बनाइए। ये बीटेक के स्टूडेंट्स है, बाकी देखो स्टूडेंट्स घर भी गए हैं, आज कल संडे है ना, तो बाकी हो सकता है लास्ट में एक स्टूडेंट उनके घर बैजनाथ में आता है, तो वो मिलने आ रहे हैं, स्पेशली जब उनको पता रहा है ग्रुप में, मैंने मैसेज डाला था लोकेशन का कि मैं पालमपुर आया हूँ, तो बच्चों को फोन आया कि हमने मिलना था बट हम घर गए हैं, तो वो अभी रास्ते में शायद से मिलेंगे, ठीक है, तो तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट और होंगे। स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो आप सामने देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये बताएंगे अभी क्या क्या करते हैं यहाँ पे, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे देखो जिम भी है, जिसको बॉडी शॉडी बनानी वो आ सकता है यहाँ पे, नहीं आ सकता, जाते हैं यस सर मॉर्निंग रोज, तो जिम में जाते हैं यस सर। अच्छा ये मॉर्निंग में जिम में जाते हैं, देखो यहाँ पे है खेल परिसर, यहाँ पे जिम है आपकी, और यहाँ पे जिम क्लासेस सर हमारे पास। अच्छा गाड़ी में स्टूडेंट पीछे बैठे हैं, और यहाँ से हम डायरेक्ट अभी वापस निकलें, क्योंकि बिकॉज बैजनाथ में
ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स तो अभी जल्दी जाना पड़ेगा और उसके बाद वैसा और भी हमें काम है, रोहित सर से मिलना है वहाँ पे, जानते हैं आप रोहित सर के बारे में, ठीक है, उनका ब्लॉग में लूँगा मैं। मैं आपको टी की एक चाय की एक बात बताना चाहूँगा। अगर चाय की बात करें तो इंडिया में ना, इंडिया का अगर बात करें, इंडिया का फर्स्ट इसमें स्थान आता है प्रोडक्शन में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है प्रोडक्शन में इंडिया का। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा चाय यहाँ से करता है दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है असम में होती है। और मेन बात तो ये चाय की है कि आपका जो ओरिजिन माना जाता है चाय का, टी का ओरिजिन एशिया, यानी कि इंडिया ही आपका ओरिजिन है जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था टी का, ठीक है। ये चाय गाइस, ये देखिए आप चाय के गार्डन, इस तरह की खेती होती है। और ये पेड़ बीच में क्यों है, ये रीजन हम पूरा क्लास में, आई थिंक मैं पिछले साल पढ़ा भी चुका हूँ क्लास में और इस साल तो मैं करवाऊंगा भी, कि क्या रीजन है इसके पीछे, पूरे आपको साइंटिफिक तरीके से बताएंगे, पूरा ज्ञान देंगे आपको। स्टूडेंट से मिलने वाले तो बिल्कुल हम बैजनाथ में भी पहुंच चुके हैं और बाकी यहाँ पे हम रुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी दूसरी वीडियो हमारी है जो कि यहाँ पे है वंशिका अवस्थी, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसी प्लेटफॉर्म की स्टूडेंट है और इनके माता जी भी यहाँ पे आए हैं, बाकी इनकी माता जी है और ये वंशिका जी, बाकी ये तो अपने आप देख ही चुके हैं। बाकी इंटरव्यू आप देख लेना इनका, क्योंकि बी एस सी एग्रीकल्चर ये भी कर रहे हैं पालमपुर यूनिवर्सिटी से, इनका इंटरव्यू अलग से आएगा, वो आप देख लेना। ये डायरी मिल के बहुत खर्चा किया, तो गाइज ये वंशिका अवस्थी जो थी अभी मिले, ठीक है, उन्होंने गिफ्ट के तौर पे हमें दी थी, ठीक है। तो ये वीडियो बताना बहुत ज़रूरी था। अभी मैंने जैसे आपको बताया था बैजनाथ हम आए थे और जो स्टूडेंट थे अभी वंशिका अवस्थी, तो उनको ड्रॉप आउट कर लिया, तो उसके बाद बारिश भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा और फिर सीधा मैं पहुँच चुका हूँ रोहित सर से मिलने, जो आपकी बायोलॉजी क्लासेस लेते हैं, और बाकी रामराज सर भी यहीं पर है, थोड़ा सा समय नहीं है क्योंकि अंधेरा बाहर हो चुका है, हमें ये लेट हो गई है। तो यहाँ पे हमारे रोहित सर हैं और ये इनका सेटअप है, देखो यहाँ से ये क्लासेस लेते हैं, ये देखो आप और क्या बताना सर, सेटअप कुछ नहीं, बस एक टैब से क्लासेस चलती हैं और कुछ नहीं। हाँ, टैब से लेते हैं और बाकी ये अभी बीएमएस कर रहे हैं, तो सर कैसे आप मैनेज करते हैं टाइम? सर इसके बारे में बाद में फिर बात करेंगे, अभी नहीं टाइम। बाकी इस तरह से बैठे हैं, ठीक है, सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ। आज के ब्लॉग में इतना ही यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह के ब्लॉग के साथ मिलूंगा, और एजुकेशन ब्लॉग आपको फिर से मिलेगा, तो रोहित सर से भी आपको रूबरू करा लिया, इनका रूम यहाँ पे है, और थैंक यू सो मच। बाकी सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करें कि कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको वीडियो तुरंत हाजिर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।